अजातिका का रुख कर लेते हैं, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अजातिका दिखाइए, आज नवरात्रि का नौवां दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, कितनी रौनक है यहाँ मंदिर में, दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए शक्ति की साधना से जुड़े नवरात्र का आज आखिरी दिन यानी कि नवमी दिन है और क्या कुछ तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं झंडेवाला मंदिर से। बड़ी संख्या में आपको भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई देगा, दूर तक मैं आपको चाहूंगी कि आप ये कतार देखें सबसे पहले, जो कि दर्शन लेने के लिए मंदिर के परिसर में पहुंचे हैं। कोई आधी रात से, कोई 4 बजे से, कोई 5 बजे से आया है, लाइन में लगा है और लगातार अब कोशिश है कि दर्शन किए जाए। अब दर्शन भी दर्शकों को करा देते हैं। देवी सिद्धिदात्री की आराधना के लिए ये दिन जाना जाता है और नवमी नवरात्र को कितनी सुंदरता से जो मंदिर का प्रांगण है उसको सजाया गया है। फूलों की सजावट आप देखिए, आमतौर पर जो मंदिर है उसको इतना ज़्यादा खूबसूरती से नहीं सजाया जाता जितना कि नवरात्र के समय में सजाया जाता है। और कई सारे लोग जो यहाँ पर हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं, उन भक्तों से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि जब तक भक्तों की बात नहीं पहुँचेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा कि आखिर नवरात्र की अगर उत्साह क्या होता है ये नहीं जान पाएंगे। क्या कुछ आप कहेंगी, क्या सोच कर, क्या आराधना मन में करके आई हैं, क्या कुछ आकांक्षाएँ हैं? सबसे पहले तो आप सभी को माँ झंडे वाली की जय माता दी। यहाँ मन में जो भी टेंशन होती है, दिमाग में कोई भी परेशानी होती है, वो सब कुछ आकर शांत हो जाती है। माँ का इतना सच्चा दरबार है, मैं बचपन से यहाँ आ रही हूँ, मेरे मन में कभी भी कोई गलत विचार होता है, कुछ भी परेशानी होती है, मैं माँ के दरबार में आती हूँ और एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ में वापस जाती हूँ। देखिए सकारात्मक का जो एक पूरा प्रहार है वो नज़र आता है उनको इसी के साथ में। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ब्रजेश नाम है मेरा, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। कितने बजे से लाइन में लगे हुए हैं? ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट में आपका नंबर आ गया, अच्छी बात है। हमारे साथ लगातार तस्वीरें हमने देखी, लोगों को हमने सुना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।